Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बच्चों का खेल समझ लिया खंडेराव ने शासकीय कार्य करने को, और इसीलिए अहिल्या देवी ने दिखाया अपना रुद्र रूप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, खंडेराव को क्या लगता है, युवराज होना मतलब सब कुछ वो कर सकते हैं, कोई भी नियम अपने आप ही बदल सकते हैं, बिना किसी की राय के, बिना जो लोग बाकी लोग अपॉइंट हुए उनकी सलाह के सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, वो भी जब राजा वहां पे नहीं है। खंडेराव ने ये गलती की तो की कैसे, क्या समझा उन्होंने, उन्होंने क्या समझा है मालवा के राज्य को कि उनका वाड़ा है, उनका घर है, गौतमा है, मल्हारराव होलकर है और खंडेराव है बेटा, और घर के अंदर जैसे एक चीज बनाई वैसे तोड़ दी, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ठीक हो गया, फिर हमने फिर से वो चीज बनाने की कोशिश की क्योंकि हमारा घर है, हम जो मर्जी करें। मगर ये शासकीय कार्य है, अगर राजा और राजा के बेटे जब वही नियम तोड़ेंगे तो अहिल्या देवी ये तो नहीं बर्दाश्त करेगी दोस्तों। इसलिए अहिल्या का ये जो रूप हमने देखा है, पहली बार देखा है, पहली बार अहिल्या को इस तरह से हमने इस टोन में बात करते हुए देखा है, जो कि बहुत जरूरी था। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो युवराज बन गया हूं मैं हूं युवराज, मेरे हाथ में पावर है। तो अगर फ्लैशबैक में खंडेराव खुद जाए तो इस युवराज को बनने में किसने मदद की, किसने वो पहेलियां सुलझाई खंडेराव के साथ मिलके जब वो छोटे थे, भूल गए सब, युवराज बन गया हूं। और जब ये चीज सामने आती है दोस्तों, जब हम नॉर्मली हम चीजों को देखते हैं अपनी लाइफ में, आज की लाइफ में, कि जब एक राजा होता है, मंत्री होते हैं, हम आज भी देखते हैं, हम सबकी एक सैलरी होती है। ऐसा नहीं होता कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब मर्जी चाहे उसमें से धन निकाले और यूज करे, फिर तो उनसे ज्यादा कोई अमीर ही नहीं होगा, ना तब होता था ना आज होता है। हर कोई अपनी मर्यादा में अपने काम का मेहनताना लेता है। अगर खंडेराव को पगार मिलती है तो उनको उसलिए मिलती है क्योंकि वो सरहदों पे काम करते हैं। अगर अहिल्या देवी को पगार मिलती है तो उनके अपने पद के लिए पगार मिलती है, तुकु जी को मिलती है, इवन के मल्हारराव होलकर को भी मिलती है, तो सबको मिलती है, सब अपनी मर्यादा में काम कर रहे हैं। तो ये खंडेराव को कहां से इतना अहंकार आ गया युवराज होने का कि मेरा ही तो है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं है दोस्तों, ये खंडेराव नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने पेपर फाड़ दिया तब अहिल्या को बहुत गुस्सा आया। पहली बार मैंने देखा है, मुझे लगता था कि अहिल्या को गुस्सा कभी दिखाएंगे नहीं, मगर दिखाया और बहुत सही समय पे दिखाया, क्योंकि अब अहिल्या को बोलने का हक है, अब अहिल्या कह सकती है, क्योंकि जिस पद पे वो है उस पद की गरिमा को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसने शपथ ली है, और जब शपथ ली थी उसने यही कहा था कि ये पद के ऊपर जब मैं हूं कोई रिश्ता मेरे सामने नहीं है, तो इसलिए उसने उस पद का उपयोग किया जो करना चाहिए था। और इतना बड़ा नियम तोड़ने के लिए युवराज को ही अगर सजा नहीं मिलेगी तो आम पब्लिक तो कभी भी किसी का बही खाता फाड़ के कहेंगे कि हमने तो भैया फाड़ दिया, कर लो जो करना है। तब तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि कंप्यूटर हो, फाइल सेव हो जाए, ऐसा हो जाए, तब तो नहीं था, तब तो इन्हीं के ऊपर, यहां तक कि जुबान के ऊपर काम होते थे। और उस टाइम में खंडेराव चार मंत्रियों के बीच में इतनी बड़ी गलती कर रहा है। आज अगर खंडेराव करेगा तो कल गंगूबाई तांते भी कर सकते हैं, तुकु जी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब युवराज कर सकता है मेहनताना लेके साल का, और बाद में जब मन चाहे वहां से राशि लेने की बात कर सकते हैं, पेपर पे हस्ताक्षर करने के बाद भी, तो कोई भी कर सकता है। तो अहिल्या देवी ने बहुत सही कदम उठाया दोस्तों, और मैं इसकी पूरे दिल से सराहना करती हूँ। उसके बाद जो भी झेलना पड़ा वो बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे, मगर फिलहाल जो खंडेराव ने बच्चों का खेल समझा उसके ऊपर जो अहिल्या देवी ने चपत लगाई है खंडेराव को, उस चपत की गूंज खंडेराव के कानों में बहुत देर तक गूंजती रहेगी दोस्तों। बड़ा दिल कर रहा है कि बहुत कुछ बोलो इस वीडियो में, मगर समय इतना ही है, इसलिए आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.